हेलो फ्रेंड्स, एमितिया नरम आउ टेस्टी रसगोला खाइबा को काहा को भलो न लागे। एहा होची प्योरली होममेड। देखंतु केते सॉफ्ट आउ ता कलर भी पूरा सालेबु रसगोला भलिया। ताकु चिपिले भी एकदम पूरा तुला पूरी नरम, खाइबा को बहुत टेस्टी। आम आज शिखा एमती रसगोला आम कमी घर तैयारी करने अदा के जी छेना नहीं फ्रेश छेना ताकू आप प्रथम दलतु गोटे टिप्स दौर आपण जेते ताकु दळकी चिकण करिवे रसगोला सेते सॉफ्ट हबो। आउ छेना दळिया भितरे आपण सेतेरे 4-5 चमच मैदा अल्प अल्प करी मिसेबे। बर्तन देखंतु मु बर्तन गोटे चमच मैदा मिसौची एवं ताकु पुणी आउ थरे दळिबा आरंभ करिवि। एमती आप अल्प अल्प करके मैदा मिशातु 4-5 चमच मिसेबे एवं ताकु भल कि चकटिबे दळिबे। जेते आप दळिबे आपण रसगोला सेते टेस्टी हम। एमती भाव में ताकु चकटिले आहुरी बढ़िया चिकन हम रसगोला एवं खाया को बढ़िया दोला भाया नरम हम। आपण ताकु बर्तमान देखंतु केमती ताकु चकटा होउछि। बर्तमान देखु आमर छेनाटी बहुत सॉफ्ट हो जाए। छोट छोट गोला तैयारी करवा गोला कर मन रखिए जमी से न फाटे एवं ताकु चिकन गोला करके रखु। गोटे गरम पात्र रे आग 4-5 चमच चीनी पक दिंतु एवं फ्लेम को लो कर दिंतु। चीनी को धीरे धीरे भाजतु जमी से कारमेलाइज एवं ब्राउन कलर ताकु धीरे धीरे भाजले देखु से बर्तमान ब्राउन कलर हवा आरंभ होगा। ये ब्राउन कलर हेले आम से पानी मिसाइ देवा। गोटे कप पानी मिसाइबे मन रखिए दूर पकेबे ना से छिटकी जीवो। बर्तमान पानी मिसाइ सारापुर आम मिक्स कर दबा। 4-5 कप पानी मिसाइ आपण को जेतिकी मीठा दरकार से हिसाब से चीनी पकेबे एवं सिरा प्रस्तुत करिवे। सिरार फ्लेवर पाई आपण से 4-5 गुजराती छेचिकी पकई दिंतु। सिरा जिते भल कर फुट बॉयल होपण गुला कर रसगोला को धीरे धीरे पकातु। देखिए जमती पानी सिरा हिसाब से रसगोला अधिका न हो ना फुलवाक जगह मिलनी। बर्तन आम सब रसगोला पकईदे बर्तन ताक आम घोड़ हाई हीट फ्लेम रे 20 मिनिट फुटेबा। बर्तन देखो 20 मिनिट फुटे सारापर कमी फुलिकी सुंदर देखा जा। थरे रसगोलार साइज जिते फुली जीव आप गैस को लो फ्लेम रे कर दिंतु एवं लो फ्लेम रे बिना ढाकुणी दे ताकु 15-20 मिनट बॉयल होगा छाड़ दिंतु।
ତାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ହାଲକାରେ ଚଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବେଶୀ ତାକୁ ଚଲାଇଲେ ରସଗୋଲା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ରସଗୋଲାଟି ଫୁଲିକି ପୁରା କଲର୍ ନେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ଡିଶ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ରସଗୋଲା, ତା କଲର୍, ତା ଟେକ୍ସଚର୍। ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।